वीडियो का जो टॉपिक है पैथोलॉजी ऑफ़ विथ एनी ऑर्गन हम लोग उसको डिवाइड करेंगे इन नॉन न्यू प्लास्टिक एंड न्यू प्लास्टिक डिजीजेस में ठीक है नॉन न्यू प्लास्टिक जो हैं दे कैन बी डिवाइडेड इन टू नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन एंड इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ठीक है नॉन इन्फ्लेमेटरी में हमारे पास तीन आ जाते हैं नंबर वन इज़ फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन विच इज एकेलेजिया कार्डिया नंबर टू इज मैकेनिकल ऑबस्ट्रक्शन जिसमें वी हैव एट्रेजिया स्टिनोसिस एंड फिस्ट्यूला सही एंडलीजी तो, तो सबसे पहले एकेलेजिया जो है दैट इज डिफाइंड बाय अ ऑफ इंक्रीज लोअर ईसोफिकल स्प्रिंक्टर की टोन इनकम्पलीट रिलैक्सेशन ऑफ लोअर ईसोफिकल स्पिंगटर एंड ईसोफेगल ए ठीक है तो ये ट्राइड बेसिकली एकेलेजिया का ट्राइड कहलाता है अब एकेलेजिया का कॉज क्या है एकेलेजिया का कॉज बेसिकली ये है कि हमारे पास जो इसोफेगस में होते हैं खासकर लोअर इसोफेगल फिंग्टर की तरफ हमारे पास होते हैं इनबेटरी न्यूरॉन्स ये इनिबेटरी न्यूरॉन्स उसको रिलैक्स करवाते हैं किसको इसोफेगल के स्पिंग को अब अगर ये न्यूरॉन नहीं होंगे या फिर एनी रीजन डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे तो फिर हमारे पास जो डिजीज आएगा उसको हम कहेंगे एकेलेजिया कार्डिया अब ये न्यूरॉन दो सिनेरियोज़ हैं या तो ये न्यूरॉन सिरे से ही नहीं है दैट मीन्स दैट विल प्राइमरी एकेजिया विच विल बी ड्यू टू फेलियर ऑफ माइग्रेशन ऑफ न्यूरल क्रेसेल्स या फिर ये न्यूरोन थे लेकिन डिस्ट्रॉय हो गए दैट विल बी कॉल्ड सेकेंडरी एक्लेजिया यूजली दिस इज इन अ डिजीज दैट इज डिजीज़ जो करवाता है ट्रिप्नोसोमा क्रूजी एंड इसका जो तो बग होता है दैट इज किसिंग बग या फिर रूडविक बग कहलाता है सही है तो दिस इज दिलजिया फिर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है सिंस लोअर ईसोफिकल फिंग क्लोज है तो जो खाना होगा वो रिगर्जिटेट करके वॉमिटिंग वगैरह करवाएगा सही है इसके अलावा मेल एब्जॉर्बशन होगी या मेल न्यूट्रिशन इज़ द बेटर टर्म टू यूज़ क्योंकि खाना जब आगे जाएगा ही नहीं तो एब्जॉर्ब कैसे होगा खैर उसके अलावा वॉमिटिंग के चक्कर में एक्सपाइरेशन नमोनिया भी हो सकती है एंड जो खाना रहेगा उधर तो फिर वो डैमेज करता रहेगा ईसोफेगस को तो फिर इसकी वजह से इसोफेगल कार्सिनोमा के भी चांसेस बढ़ जाते हैं कौन से वाले कार्सिनोमा के कॉमस सेल कार्सिनोमा के सही है तो दीज आर दी कॉम्प्लिकेशन ऑफ तो, एक्लेजिया फिर एक्लेजिया की फाइंडिंग या स्टडीज कैसे होती हैं तो उसमें हमारे पास बैरियम सोलो स्टडीज होती हैं जिसमें बैरियम सोलो करा के एक्सरे वगैरह चेक करते हैं उसमें हमारे पास बर्ड बीक अपियरेंस आती है ठीक है दैट इज द मेन वन उसके अलावा ईसोफिकल मैनोमेट्री होती है एंडोस्कोपी होती है एंड देन उसका इलाज में भी आप एंडोस्कोपिक स्टेंट लगा देते हैं तो दिस इज दी एक्लेजिया के बारे में सब कुछ फिर हमारे पास आते हैं फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन में वी है एटलेजिया विच इज कम्प्लीट ब्लॉकेज ऑफ ईसोफिकस उसके अलावा वी है स्टेनोसिस नैरोइंग ऑफ दिकल व्यूमेन एंड देन वी हैव फिस्ट्यूला यूसोफिकल ल्यूमेन का किसी और ल्यूमन से कनेक्शन हो जाना की डेफिनेशन ही है ना कनेक्शन बिटवीन टू ल्यूम सही है तो दिस इज डेफिनेशन इनकी फंक्शनल ऑब्सट्रक्शन की इसके अलावा हमारे पास फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन में ही उससे रिलेटेड ही टॉपिक्स हमें दो चीज़ें और डिस्कस करनी होती नंबर वन प्लम्बर विंसन सिंड्रोम इसके बारे में पता होना चाहिए हमें एंड नंबर टू जेंकर्स डाइवर्टिक अब प्लमर वेंसन सिंड्रोम क्या है प्लमर विंसन सिंड्रोम बेसिकली एक ट्राइड है एंड इट इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ईसोफेगल वेब्स ईसोफेगल वेब्स या पे ईसोफिकलोसिस की वजह से हमारे पास ट्रायड फॉर्म होता है जिसमें ईसोफेगल वेब्स इज वन पार्ट उसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होती है एंड तीसरी चीज़ क्या होती है डिस्फेजिया सही तो इस ट्रायड बोलते हैं प्लमर विंसन सिंड्रोम

सही है तो डायबिटिकलम को हम कहते हैं जिंकर्स डायबिटिकलम फिर फाइनली वी एफ ईसोफिकल वाइसिस ईसोफिकल वराइसिस आई थिंक सबको मालूम होना चाहिए दैट इज़ ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन सही है मैसि हेमाटेमेसिस से प्रेजेंट होता है ये एंड ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से वो जो वैसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं तो उसको हम ईसोफिकल वराइसिस बोलते हैं ठीक है तो इसमें इतना कोई ज़्यादा खास नहीं है इलाज उसका वही उसको लाइगेशन कर देते हैं वगैरह फिर हम आ जाते हैं इन्फ्लेमेटरी लीजेंस ऑफ इसोफेगस पर इंफ्लेमेटरी एंड वी हैव मेले ठीक है वॉट इज गर्ड गर्ड इज गैस्ट्रो इसोफिक्स रिफ्लेक्स डिजीज जिसमें गैस्ट्रिक कंटेंट्स रिफ्लेक्स होके फेगर्स को डैमेज करते हैं ठीक है अब फैक्टर्स क्या है गर्ड के अगर मैं सिंपली इसका कॉज बताऊं तो दैट इज डिलेड गैस्ट्रिक एंटीन सही है अब वो डिलेड गैस्ट्रिक एंपीन की हो सकती है या तो कोई हर्नीशन है और दो हर्नीशन पहले नहीं बतानी तो पहले कॉमन चीज़ें बता हैं ओबेसिटी है इंक्रीज एब इंट्राबनॉमल प्रेशर के कॉज हैं ओबेसिटी प्रेगनेंसी ठीक है फिर बता दो पहले हाइटल हर्नियाज सही है उसके अलावा क्या कहते हैं इसको गर्ड और कौन सी कंडीशन में हो सकता है गर्ड इसके अलावा एल्कोहल कंजनशन की वजह से भी होता है और अगर कोई ज़्यादा मतलब खा रहा है तो उस वजह से इंक्रीज गैस्ट्रिक वॉल्यूम है तो उसमें भी रिफ़्लक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं और किसी ने कोई सर्जरी वगैरह करा ली एकेजिया की वजह से तो उसकी वजह से डिक्रीज़ एलिए स्टोन हो गया है या फिर किसी और वजह से एल स्टोन कम हो गया तो दैट इज़ ऑल्सो ए रिस्क फैक्टर फॉर गर्ड ठीक है तो दीज आर दी रिस्क फैक्टर्स फॉर गर्ड पर हम आ जाते हैं गर्ड की वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है सिंस गर्ड में गैस्ट्रिक कंटेंट्स जा रहे हैं तो वो इसोफेगस को डैमेज करेंगे तो अल्सरेशन हो सकती है ईसो की ब्लीडिंग हो सकती है जिसकी वजह से हिमाटेमेसिस के चांसेस हैं डैमेज की वजह से मेटाप्लास्टिक चेंजेस आ सकते हैं बैरिट इसोफेगस एंड फर्दर ऑन डैमेज की वजह से जब वो फाइब्रोसिस करके रिपेयर करेगा तो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन भी हो सकती है तो नैरोइंग हो सकती है चाहिए तो दैट इज गर्ड फिर आ जाते हैं इसोफेगाइटिस में ईसोफेगाइटिस इज बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ ईसोफेगस अब इन्फ्लेमेशन कैन बी ड्यू टू गर्ड इट कैन बी पिल इंड्यूस्ड इट कैन बी केमिकल्स की वजह से इट कैन बी इन्फेक्श और इट कैन बी यूसनोफिलिक ठीक है गर्ड की वजह से जो होगा वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं बाकी फिर दूसरे डिस्कस करते हैं पिल इंड्यूस क्यों होते हैं पिल इंड्यूस ड्यू टू आइदर डॉक्सीसाइक्लिन और ड्यू टू बिस्ट्स इनका क्या होता है इनकी जो कैप्सूल की कवरिंग होती है कोटिंग वो ईसोफेगस में ही डिजोल्व होना थोड़ी सी शुरू हो जाती है क्योंकि एंटेरेक्ट कोटेड कैप्सूल होती हैं अक्सर तो ये अगर डिजोल्व होना शुरू हो जाएंगी तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आप अपराइट नहीं बैठे हो तो फिर ये ईसोफेगस में ही डिजोल्व होकर फंस जाती हैं तो पर यह इन्फ्लेमेशन कराती हैं Physical, फिजिकल फिजिकली फंसने की वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज कराएगी ये ठीक है पर केमिकल्स हैं केमिकल्स ये कोरोसिव्स वगैरह और दूसरे केमिकल्स जैसे स्मोक या फिर कोई कैंसर थेरेपी का कोई एजेंट है ये सारी चीज़ें करवा सकती हैं इन्फ्लेमेशन, इंफेक्शन में भी है पलोमा वायरस वी हैच एस वी एंडलो वायरस वायरस में ये फंगस में कैंडिड आ जाएगा ठीक है यह जो है ये इम्यून मीडियटेड डिसऑर्डर है और उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने की ये है कि इसमें जो पैटर्न बनेगा ना वो थोड़ा सा सर्कुलर पैटर्न बनेगा

टू लीज मेनली और दोनों में लिगनेंट है उसके अलावा टेक्निकली प्री कैंसि बैरट्स ईसोफेगस भी है लेकिन वो खुद कर लेना उसमें कुछ ज़्यादा डेप्थ नहीं है लोअर वन थर्ड ऑफ ईसोफेगस में मेटाप्लास्टिक चेंजेस हो जाएंगे ठीक है तो दर्ट बैरट्स ईसोफेगस फॉर यू uh, उसकी फिर मॉर्फोलॉजिकली भी वो ज़्यादा रेडिश नजर आना शुरू हो जाता है वो भी देख लेना पिक्चर्स देख लेना भले लेकिन उसमें इतना कुछ ज़्यादा खास है नहीं डेप्थ में तो आई एम नॉट गोइंग टू हम जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी द ऑफ विलोफिगर्स तो दे आर टू नंबर वन इज कार्सिनोमा ऑफ एंड अदर वन इज एडीनो कार्सिन फिगर्स कार्सिनोमा ऑफ फिगर्स जो है उसके रिस्फेक्टर्स अगर हम देखें तो कुछ कॉमन रिस्फेक्टर्स हैं विद द विदिनो कार्सिनोमा लेकिन कुछ अपने खुद के भी रिस्फेक्टर्स हैं जैसे अगर मैं पहले अप, उसके अपने खुद के रिस्फेक्टर्स करवाऊँ तो एकेलेजिया एकजिया सेल कार्सिनोमा करवाएगा उसके अलावा भी है एच पी वी 16। एच पी वी सिक्सटीन अगर याद हो ओरल कैविटी से तो ये और का करवा रहा था सेल कार्सिनोमा ठीक है इसके अलावा सेल कार्सिनोमा के रिस्फेक्टर्स में हमारे पास आ जाता है पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं फिर कॉमन डिस्ट्रैक्टर्स भी हैं अल्कोहल कंजप्शन है सिगरेट स्मोकिंग है टोबैको है ऑल्दो दैट्स दैट ऑल्सो कम्स इन सिगरेट स्मोकिंग लेकिन अलग से भी लिख लो गलत मसलो ठीक है फिर एडिनो कार्सिनोमा के डिस्ट्रैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं इसमें एकेलेजिया का टेक्निकली तो है लेकिन दैट तेकन इज पोस्ट ऑपरेशन मतलब कि पोस्ट ऑपरेटिव एक्लेजिया क्यों क्योंकि वो गर्ड करवा रहा था अगर मैं वापस ऊपर जाऊँ डिग्री चलिए स्टोन सही है तो गर्ड इनडायरेक्टली गर्ड से रिलेशन है उसका पोस्ट ऑपरेटिव एक्के उनका तो इसलिए ये करवा सकता है उसके अलावा एल्कोहल कंजप्शन भी आ गया गर्ड इट सेल्फ इज़ इस अ मेजर वन सिगरेट स्मोकिंग का भी ताल्लुक है पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स इधर तो दीज आर दी रिस्क फैक्टर्स फॉर एडीनो कार्सिमा कॉमर्सियल कार्सिमा फिर एक और डिफरेंस इनका ये कॉमर्शियल कार्सिनमा जो है दैट इज यूजुअली मिडिल वन थर्ड और अपर वन थर्ड ऑफ इसोफेगस को इन्वॉल्व करता है एंड जो एडीनो कार्सिनो है दैट इज़ यूजली लोअर वन थर्ड ऑफ ईसो इन्वॉल्व करता है कॉमर्शियल कार्सिनोमा इन्फिल्ट्रेटिव भी होता है और एग्जोफाइटिक भी होता है मतलब कि विद इन द ल्यूमिन भी जाएगा अगर ये वॉल्व है तो फिर ये इनसाइड भी ग्रो करेगा एंड आउटसाइड भी ग्रो करेगा तो ये ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा कॉज करवाता है इसके चांसेस कम होते हैं ऑलरेडी ये करवा सकता है ऑब्स्ट्रक्शन लेकिन इसके चांसेस बनस्पत कम होते हैं उसके अलावा हमारे पास जो सेल्स हैं उनके भी ऑब्वियसली डिफरेंस होगा क्योंकि जो एडिनो कार्सिनमा वाले होंगे वो ग्लैंडुलर सेल्स होंगे और जो स्कोमसियल कार्सिनोमा वाले होंगे वो ग्लैंडुलर नहीं होंगे वो अपने वो होंगे क्या कहते हैं इसको स्कोमस मेटोबले स्कोम सेल्स होंगे एंड जो स्कॉमर्सियल कार्सिनमा है इज़ यूजली ड्यू टू पी सिक्सटीन म्यूट्रेशन मेनली क्योंकि एच पी यू सिक्सटीन से रिलेटेड है उसकी लेकिन उसके अलावा दूसरी म्यूट्रेशन भी होती हैं जो एडीनो कार्सिनमा है उसमें पी फिफ्टी थ्री का मेन जोर होता है सही है बाकी मार्फोलॉजी पर अगर हम आए तो मार्फोलॉजिकली वीनो के एक तो साइट है उनकी शुरुआत इनकी होती है कार्सिनमा इन साइट से जिसमें डिस्प्लास्टिक चेंजेस वगैरह नज़र आ रहे हैं फिर ये जाके ग्रो करते हैं इन तो एक्सोफाइटिक मासेस और फिर फिर ये अपने ह्यूम को भी इन्वॉल्व करते हैं एज वेल एज इन्फिल्ट्रेशन भी करवा देते हैं फिर इनका क्या सीन है कि ये मिड मीडियम डिफ्रेंशिएशन होती है मतलब वेल डिफ्रेंशिएटेड भी होंगे लेकिन इतनी लाइक पोअरली डिफरेंशेड कम नहीं मिलेंगे ये एंड एक और चीज़ इसकी इंपॉर्टेंट है दैट इज़ दी टी एन एम क्लासीफिकेशन जिसमें ज़ीरो टू तो फाइव इसकी क्लासिफिकेशन होती है ज़ीरो इस बेसिकली के डिस सेल्स हैं बट नॉट कैंसर सेल्स वन इज़ कैंसर सेल मौजूद हैं बट दे आर लिमिटेड टू म्यूकोजा वगैरह हाँ ठीक है मतलब साइड टू बेसिकली फिर हमारे पास क्या है कि अगर यही कैंसर सेल्स म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा को इन्वॉल्व कर दें एज वेल एज़ दो लिम्फ नोड्स को कर दें इन्वॉल्व देन दैट इज टू फिर अगर ये कैंसर सेल्स अगर आगे पहुंच के एडवेंटिशिया को इन्वॉल्व कर दें एंड उसके अलावा ऑर्गन uh, को इन्वॉल्व करना शुरू कर दें मेट्स मेट में तो दैट इज थ्री एंड देन वाइड स्प्रेड जो होगा जो फाइनल स्टेज है दैट इज फोर तो ये इसकी टी एन एम क्लासिफिकेशन ठीक है तो दैट वॉज ऑल फॉर इस फिगर्स के लीजेंस वगैरह